प्रणाम, हाय, कुशामुद्दीन, मैं तो आदर हूं आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भायरू चैनल। आज हम देखने वाले हैं द जोया फैक्टर, ये पिक्चर के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। द जोया फैक्टर, दरअसल ये पिक्चर अनुजा चौहान के बुक के नॉवल में से लिया गया है। वही पिक्चर का नाम रखा है जो उनके नॉवल में कहानी का नाम था द जोया फैक्टर, और हीरोइन का नाम भी जोया है। दरअसल इस पिक्चर में हीरो दुलकर सलमान, जो मलयालम में फेमस एक्टर ममूटी जो हैं, उनके बेटे हैं। ये वाकई काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं मलयालम पिक्चर में, और ये इनका हिंदी में दूसरा पिक्चर है। इसके पहले भी इन्होंने एक पिक्चर एक्टिंग की, वो भी पिक्चर अच्छा चला इरफान खान के साथ, और अभी ये दूसरा पिक्चर है। इस पिक्चर में भी हीरो के रोल कर रहे हैं। बाकी ये पिक्चर में इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है। और रही बात इसमें हीरोइन की, इसमें सोनम आहूजा, जो सोनम कपूर के नाम से जाने जाते हैं लोगों के बीच में, वो इस पिक्चर में हीरोइन के रोल की है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर हीरो का नहीं बल्कि हीरोइन का है, और इसमें विलन के रोल कर रहे हैं अंगद बेदी, इस पिक्चर में विलन के रोल कर रहे हैं। दरअसल इस पिक्चर में कहीं भी क्रिकेट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। दरअसल इस पिक्चर में क्रिकेट और हीरोइन उनका मेन रोल होता है, जोया देवी के नाम से कहते हैं लोग इस पिक्चर में। दरअसल ये पिक्चर ऐसा है, इसमें सपोर्टिंग एक्ट्रेस अनु कपूर जो हीरोइन के बाप के रोल कर रहे हैं, पापा का रोल कर रहे हैं। दरअसल 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उसी वक्त हीरोइन का जन्म होता है, और ये कहते हैं हीरोइन के बाप पिताजी ये कहते हैं कि ये काफ़ी लकी है और इसके कारण काफ़ी लक सब कुछ अच्छा होगा। पर जबकि उन हीरोइन के लाइफ में हर एक चीज़ बुरा होता है, उनका बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, इस तरह उन्हें काफ़ी कुछ झेलने पड़ते हैं, इसलिए वो कभी इन सब चीज़ में विश्वास नहीं करती है, और क्रिकेट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो उन्हें पसंद नहीं होता है और उसी काम में उनको जाना पड़ता है श्रीलंका। श्रीलंका में इंडिया और श्रीलंका का मैच होता है और उन्हें वहाँ जाके एड की शूटिंग करनी होती है, ये उनका काम होता है, और वहाँ जाके ये लोगों से बातचीत करती है और वहाँ के क्रिकेटर के साथ आपस में बातचीत करती है, और इस तरह कहती है कि मेरा जन्म 1983 में हुआ है जब इंडिया को वर्ल्ड कप मिला था, और जैसा वो कहेंगी वैसा होता है, और उन्हें लग पे विश्वास नहीं। इस तरह बातचीत में बातें करते करते उनकी बात जो है सच हो जाती है, जबकि इंडिया बुरी तरह श्रीलंका के सामने हारती रहती है, और जबकि इंडिया जीत जाती है, और ये कहते हैं कि सब जोया के कारण नहीं हुआ है, जोया के लक के कारण हुआ है, जबकि हीरो इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं करते हैं, और जो भी विश्वास करते हैं अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, मेहनत करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे, ये उनका माइंडसेट होता है, और इसी बात पे वो चलते हैं, और दोनों के बीच हीरो हीरोइन के बीच दोनों के बीच आपस में प्यार हो जाता है। जैसा ये पिक्चर इसी तरह चलता है कि उन्हें सीधा भगवान बना दिया जाता है और लोग उन्हें भगवान मानने लगते हैं। जैसा ये पिक्चर इतना, मैं तो कहता हूँ, सही नहीं है। अगर ये पिक्चर कुछ 10-15 साल के पहले भी रिलीज हुई होती तो थोड़ा कुछ तक चल जाती, क्योंकि एक जमाना था लोग क्रिकेट 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 क्या करते थे। आजकल तो लोगों के बीच में इतना क्रिकेट का क्रेज नहीं रहा, क्योंकि लोग जानते हैं कि एक बिजनेस बन चुका है, और क्रिकेट में तो आईपीएल आ चुका है, इसके लिए लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ से वहां, इनका क्रेज एक जगह नहीं बल्कि एक बिजनेस बनने के कारण लोगों को इतना दिलचस्पी नहीं रहा, आजकल लोग इसमें इतना इम्पोर्टेंस देने नहीं लगे। इसलिए इस पिक्चर में आप देखेंगे तो हीरोइन का इतना कुछ खास ही नहीं रहा, जबकि हीरोइन ने इस पिक्चर में एक्टिंग नहीं बल्कि एक तरह का ओवर एक्टिंग की है, और इस पिक्चर को अगर कुछ संभाले हैं कि चलने लायक तो हीरो ही है, बल्कि इस पिक्चर में मेन रोल सबसे ज्यादा हीरोइन का ही है, और हीरोइन का रोल उन्होंने कुछ बराबर किया ही नहीं है, और क्यों इस पिक्चर को इस तरह पिक्चराइज किया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जबकि इस पिक्चर के जो नॉवल राइटर है, जो इस पिक्चर के अनुजा चौहान जो है, उन्होंने इस पिक्चर को स्क्रिप्ट किया है, जबकि तो भी इस पिक्चर में हीरो को इतना कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, सिर्फ हीरोइन के दिया गया है, जबकि इस पिक्चर को अगर कुछ संभाले हैं तो हीरो ही संभाले इस पिक्चर को। उनकी एक्टिंग और काफ़ी अच्छा बात करने का जो तरीका वरीका, काफ़ी अच्छा उन्होंने एक्टिंग किया है हीरो ने, इसके कारण इस पिक्चर चलाया भी कह सकते हैं। इस पिक्चर में ऐसा कुछ इतना कुछ दम नहीं है, पर ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं, अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं थिएटर में जाके, घर से बाहर जाके, तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए,